साथियों तुहाडे इत्थे आण ते मैं तुहाडा तुहानू जी आया भी कहना ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद भी करना। तुसी इन्नी गर्मी च पंजाब दे कोने कोने तो बहुत दूरों दूरों आए हो, इहदा इक्को ही मैं कारण समझदा कि तुहाडा अजीत नाल जिहड़ा पंजाब ते पंजाबीयत दी अज प्रतिबिंब बन चुका, आवाज़ बन चुका, उहदे नाल जिथे तुहाडा बहुत प्यार है, मोह है, उत्थे तुहाडी इस ते भरोसे योग्यता भी बनी रही है। साडे लई, मेरे लई इस तों वड्डी संतुष्टि ते खुशी कोई नहीं कि असीं अपने समाज जिथे असीं विचरदे हां, अपने पंजाब दे काम आ सकीए, जेड़े कोई मसले है उन्होंने उन्हां नाल सांझ पा सकीए, तुहाडी आवाज़ विच अपनी आवाज़ मिला सकीए, ये साडा मंतव रहा। तो मैं समझदा कि तुहाडे दित्ते इस विश्वास ने हमेशा जदों असी तुहानू आवाज़ मारी है, तुसीं हुम हुमा के आए हो, उहदे नाल साडी प्रतिबद्धता ते साडी जिहड़ा होर काम करन दा तुहाडे नाल रल के अपने इस सूबे नूं जिन्ना भी असी बेहतर बना सकीए, जिन्ना भी इहनूं होर अगे वधा सकीए, उह असी सांझे यतना नाल जरूर करांगे। पिछले दिनी मैनू ये संतुष्टि है कि अजीत भवन विच सारी पार्टियां दे विरोधी पार्टियां दे जिहड़े आगुआं ने अपने आप अपने इनीशिएटिव दे नाल उह सारे इकट्ठे होए ते उन्होंने अजीत लई नहीं सगों पंजाब दी जो चिंताजनक हालत जिहड़ी बन चुकी है उहदे लई उन्होंने बड़ी चिंता जाहर कीती ते मैं भी उन्होंने ये बेनती कीती सी कि कुछ विरोधी पार्टियां दा आपो अपना एजेंडा हुंदा, किसी भी लोकतंत्र च ये जरूरी भी है, पर पंजाब दे हितां लई, पंजाब दी बेहतरी लई, क्योंकि पंजाब बहुत पिछले समय च निघार च आ चुका है, इत्थे दी आर्थिकता जिहड़ी है वह खत्म हो रही है, पानी जिहड़ा हेठां जा रहा, नौजवानी निराश है, विदेशां च नौजवान जा रहे हैं, वो सारे मसलियां ते असी कुछ मिनीमम प्रोग्राम बना के जरूर इकट्ठे होइए। मैनू एक याद आंदा, एक पंजाब दे लोकां ने सवा क साल पहला एक उन्होंने कहा कि असी होर तजर्बा करिए, कोई तीसरे बदल की तलाश करिए, ते सारिया ने सारिया पार्टियां ने भी उन्हां दियां भावनावां अगे लोकां दी इच्छा अगे सिर झुकाया। सरकार नवी बनी पर अफसोस इस गल दा है कि थोड़े जे अरसे च, साल भर दे अरसे च उस सरकार ने लोकां नूं बहुत निराश कर दिता, जेड़े वादे उन्हां कीते सी, जेड़े दावे उन्हां कीते सी, जेड़े सुपने उन्होंने दिखाए सी, वह साडियां अखां दे सामने अज चकनाचूर जेड़े होए दिखाई देंदे है। ये तुहानूं मेरे नालों भी ज़्यादा पता है, मैनू इस जिहड़ी सरकार है जिहड़ी हर मुहास ते फ्रंट ते बुरी तरह फेल हो चुकी है,
उस बारे उन्हां दी जो नीति ते नियत आ उहदे बारे मैनू दूसरी संसार जंग दी एक बड़ी अहम गल बड़ी अहम घटना याद आ रही है। जर्मनी दे तानाशाह हिटलर जिहदे करके उस समय अद्धा यूरोप तबाह हो गया सी, सारी दुनिया की आर्थिकता डोल गई सी, करोड़ों लोग मारे गए सी। उसका एक प्रचार मंत्री सी गोबल्स, उन्हें एक सरकारी तौर पर एक नीति बनाई सी कि वध तो वध इश्तहारबाजी करो, वध तो वध बयानबाजी करो, वध तो वध दावे ते वादे करो ते लोकां नूं उस झांसे विच ले आओ। ते ओ लोक उस झांसे च आए जर्मन वाले, अज तक भी ओ जिहड़ा उस ग्लोबल्स दी जिहड़ी इश्तहारबाजी ते प्रचारबाजी सी उहदा नतीजा यूरोप भी भुगत रहा ते खास तौर पर जर्मनी भी भुगत रहा। मैनू अपनी जिहड़ी पंजाब दी सरकार है उहदा भी यही जिहड़ा निशाना, यही उहदी जिहड़ी स्कीम है वह लगती है कि वध तो वध इश्तहारबाजी करो, दावे करो, वादे करो ते उहदा प्रचार करो। ये तुहानू सारयां नू पता है कि नवी सरकार ने एक साल जिहड़ी सवा साल हो चुका उहदे च सिर्फ इश्तहारबाजी लई मीडिया नू, हर तरह दे मीडिया नू जिहड़ा उहदे लई 750 करोड़ रुपया उन्हें राखवां रख्या। पंजाब पहला ही कंगाल हो चुके हैं ते उन्हां दा सिर्फ मंतव यही है कि इस ढंग नाल अपनी चला के प्रचार ते लोकां नूं गुमराह जिन्नी देर हो सकता वो करन दा यतन जिहड़ा वो करदे रहो। इस तों भी जिहड़ा मैनू जिहड़ा इस गल दा भी बहुत ये दुख है कि पंजाबियों ने तुसी सारिया ने रल के नवी पंजा सरकार बनाई, पर निराशा इस गल दी है कि ये दिल्ली दे अपने आकावां दी कठपुतली है। जो कुछ वो हलांदे है, जो कुछ वो कहंदे है, वो ही इत्थे लागू किया जाता। इत्थों तक कि कल भी किसी वड्डे आगू ने दिल्ली दे ने ये गल कही सी कि इत्थों तक कि अपने दिल्ली दे एजेंडे नू लागू करन लई ये पंजाब दे जिहड़े करोड़ां रुपए दे रोज़ नित दिन जिहड़े इश्तहार है वो तमिलनाडु, गुजरात, केरल दे परचियां विच उत्थे दे टीवी चैनलों के विच वो ये दिंदे आ। इतों ही इन्हां दी नीयत दा पता लग जांदा। जिथों तक इन्होंने हस्पतालां दी गल कीती, स्कूलों की गल कीती, मैं समझदा असी अखबार के तौर पर अपनियां पूरियां टीमां भेज के उहदी असलियत जानण दा यतन कीता। वो असी अखबार च छापिया भी वो बिल्कुल सिर्फ प्रचारबाजी तो बगैर कुछ नहीं। इत्थों तक कि शहीद भगत सिंह दे नां ते जे कोई हस्पताल या डिस्पेंसरी सी वो हटा के ते मुख्यमंत्री साहब ने उत्ते अपनी फोटो चिपकाती, पंज प्यारियां दा जिथे नां सी वो हटा के फोटो चिपकाती। ते हुण पता लगा कि वो सारे केंद्र दी एक विशेष योजना तहत वो पैसे आए सीगे ते उन्होंने वो डाइवर्ट करके अपने नाँ ते जिहड़े वो क्लिनिक जिहड़े आ वो खोले आ। इस तरह मुढ़ले ढांचे च कोई भी किसी तरह की एक इट नहीं लग सकी। पंजाब दे सिर होर पहला ही सत श्री अकाल, पंजाब दे सिर
होर जेड़ा एक साल दे विच विच 45,000 करोड़ का जेड़ा कर्जा जेकर उहदा कोई सानू फायदा हुंदा ते असी उस गल नू मनदे भी। ये बिल्कुल हवाई सफरां च इश्तहारबाजी ते फजूल दियां जेड़ियां स्कीमां जिहदा कि हेठले पद्धर ते कोई फायदा नहीं उहदा इन्हां ने बहुत वड्डा जिहड़ा खर्च कीता ते उहदा सानू उहदे नाल होर लोकां नू निराशा ए हुई है। अमन कानून बारे तुसी सारे जानते हो मेरे तो बेहतर, जो कुछ अज हाल है, जिन्ना लोग डरे हुए है, जिन्नियां वारदातां हुंदियां उहदा प्रभावशाली ढंग नाल कोई मकैनिज़म बना सकना, कोई मेहनत नाल किसे ढंग नाल उसनू रोक सकना, वह नहीं किसे तरह का, क्योंकि साडे जिहड़े मुख्यमंत्री साहब है उन्हां कोल कोई भी इहदा कोई नक्शा नहीं है, रोड मैप नहीं है, किसे तरह का उन्हां कोल समा भी है नहीं। इहदे च तुसी नशियां दा बड़े वादे कीते सी इन्हां ने, पर अज जो कुछ नशे वधे है उहदा सानू सारियां नू पता, सनअतकार इत्थों जा रहे है तुसी सारे जानदे हो, व्यापारी इत्थों जा रहे है, बहुत सारे किसान आगू साडे इत्थे बैठे है, उहनां नू जिहड़ियां आसां जागियां सी ओह उस तों भी ज़्यादा निराश हो के मुड़ के अपनियां मंगां लई जिहड़ियां जायज़ मंगां उहनां दियां ओह मनवाउण लई ओह फिर सड़कां ते उतर आए। ते बिजली बेरोज़गारी इहदे बारे मैं बहुता विस्तार नाल नहीं जांदा, ओह तुहानू सारिआं नू पता लगा हैगा। तो इन्हां दा जिहड़ा कम है सिर्फ इक्को ही है कि विजिलेंस ते पुलिस वध तों वध तुसी इस दी वरतों करो, लोकां नूं डरा के रखो, उहदे नाल सारियां जिहड़ियां तुहाडियां सियासी पार्टियां दे वी अज बहुत सारे आगू बैठे आ, संत महापुरश बैठे आ, वख वख जिहड़ियां जथेबंदियां ऑर्गेनाइजेशनस आ पंजाब दियां सारियां वह भी बैठियां, वो तुहानू सारियां नू पता कि अज पंजाब दा की हाल है। सवाए बदलाखोरी दी सियासत तों बगैर पंजाब सरकार कोल मैनू तां लगदा कोई एजेंडा ही नहीं रहा। जितों तक अजीत दा संबंध है, ए मैं दावे नाल कहना तुसी सारे बैठे हो, तुसी बहुत सारे इत्थे बैठे हो सियासत के खेत्र विच भी हो, कि किसे तरह की अजीत जिन्नी भी किसे अजीत की जिन्नी भी शक्ति है, जिन्ना इहदे थोड़ा बहुत जोर है, साडी नीयत यह रही है कि सारियां दी जिहड़ी जिहड़े सरगर्म है सियासी उन्हां दी गल असी निरपक्ष हो के बैलेंस ढंग नाल तवाजन नाल ओह लोकां च असी पहुँचाइए, वो असी पहुँचाने का यतन किया। तो मैं एक तुहानू होर दावे नाल गल कर कहना, अज जिहड़ा अजीत ते जो कुछ भगवंत मान की सरकार या भगवंत मान कर रहा वो वक्री गल है, पर इना दे 92 जिहड़े चुने गए प्रतिनिधि उन्हां चों 90 प्रतिनिधि मैं दावे नाल कहना वो अजीत दे इस करके हक च है कि जदों वो चोणा लड़े सरगर्म होए सियासत च आए तो दूजियां जिहड़ियां एस्टैबलिश्ड वड्डियां पार्टियां उन्हां दे नाल नाल इन्हां दी जिहड़ी तीजी धिर सी इन्हां दी भी पूरी कवरेज इमानदारी नाल पारदर्शी ढंग नाल अजीत ने कीती है। तुसीं देखिया होना कि अज चाहे मुख्यमंत्री जिन्ना भी जोर लाए, जिन्ने भी बयानबाजी करे, अजीत दे खिलाफ इन्हां दे कोई जिहड़े वजीर है, इन्हां दे MLA है, वह बिल्कुल बोलण लई तैयार नहीं। तो मैनूं पता लगा कि रोज़ ही उन्हां नूं इह सुनेह जांदे आ कि तुसीं अजीत दे खिलाफ़ बोलो, पर मेरा ये विश्वास है कि हमदर्द साहब डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द होरां दे जिहड़ा लाया बूटा वो वड्डा होया,
उन्हों तुसी सारे ने सिंजिया अपनी मेहनत नाल असी भी जिन्ना कर सकते सी वो असी निरपक्ष हो के समाज अपने नाल जुड़ के उन्हों करन दा यतन किया। इस करके इस भावना करके ही तुहाडी विश्वास योग्यता अज तुसी बहुत वड्डी गिनती विच मेरे सद्दे ते मेरी बेनती ते इत्थे आए हो, एकजुटता प्रगट करन आए हो, वो इस करके तुहाडे तुहाडे च विश्वास है इस अदारे प्रति, ये ताही तुसी ये कीता। इहदे च मैं बहुत एक सरकार है एक बहुत वड्डा सत्कारयोग अहुदा एक मुख्यमंत्री का हुंदा, उहदे च मैं तुहानू विस्थार च नहीं जाना चाहुंदा, पर ये जे सिर्फ ईगो की सियासत की जाए या बदलाखोरी की सियासत की जाए कि अजीत ने साड़ी उस वेले मदद नहीं की या सानू इग्नोर किया या हमदर्द साहब नाल मेरा कोई गिला शिकवा पिछे रहा हो, उस करके इस एडे वड्डे अदारे नू इस ढंग नाल लैना, इस ढंग नाल रोज़ अपनी पुलिस भेज के जड़ी ओ करना साडे पत्रकारां नू करना, मैनू लगातार चिट्ठियां भेजना, मैं समझना कि ये जे सरकार इस पद्धर ते चल रही है तो वो साडे पंजाब दा साडे सूबे दा वो किन्ना क भला कर सकेगी, ये तुहानू सारिआं नू पता इस गल दा पता। उन्होंने मीडिया नू दबाण लई मोटे तौर पर ये पहला तो ही दिल्ली के जेडे इन्हां दे आका सी उन्हां दी ये गिणी मिथी साजिश सी पंजाब बारे कि पंजाबियां नू दबिया जा सकता, ये इन्हां नू डराया जा सकता, धमकाया जा सकता, उस नीति तहत पहले दिन तो ही चले मीडिया प्रति भी इन्हां दी यही नीति रही। बहुत सारे अखबारों के इश्तहार बंद कर दिते, उन्होंने चलो शुरू किवें होए किस तरह ये बारे नहीं मैं जाना चाहता, इस नीति कि अजीत सिर्फ साड़ी गल करे होरां दी गल ना करे, ये अपनी निरपक्ष नीति जिहड़ी है उहदे तों हट के साडे वल जावे, इसलिए उन्होंने लालच भी दिते बड़े बड़े वड्डे इश्तहार दे के बड़े करोड़ां दे कि तुसी बगैर एक खबरां दे रूप च छापो, असी कहा कि साडी नीति खबरां दे रूप च इश्तहार छापण दी नहीं है, असी इस नू कबूल नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी तुसी जे इश्तहार असी तुहाडे बंद कर देंगे, साडा एड्डा वड्डा बजट है तुहाडे को नू भी असी 50-100 करोड़ दे सकते हैं, तो ये तुसी पर साडियां गल्लां नू पहल दिओ दूसरा दिओ। मैं कहा जी ये असी कमिटेड हाँ पंजाब लई, असी पंजाब दी ही गल करांगे जो सानू ठीक लगेगा बैलेंस ढंग नाल, मैं किसी दूसरी पार्टी नू इस गल ते नाराज या निराश नहीं कर सकदा कि अजीत दी नीति विच फर्क पै गया। उन्होंने ये भी बंद कर दिते, सारे इश्तहार भी बंद करते, दूसरा करता वो चलो वो तुहाडे सहयोग नाल तुहाडे उत्साह नाल तुहाडे विश्वास नाल जो तुसी हमेशा दिंदे रहे हैं सानू वो दे च असी उस नू सहंदे रहे। पर मैनू दुख इस गल दा होया कि एक पंजाब दियां तीन सरकारां ने बादल साहब ने यह गल शुरू की, कैप्टन साहब ने इनू अगे तोरिया, चन्नी होरां दी सरकार भी आई, इन्हां सारियां सरकारां ने मेरे ते विश्वास करके मैनू यह कहा कि तुसी ये एक शहीदां दा साडा माण योग इतिहास है, 100 साल दा साडा इतिहास है जिहड़ा देश दी आज़ादी लई पंजाब लड़िया, क्योंकि पंजाब 100 साल बाद अंग्रेज़ां दे होया सी अंडर महाराजा रणजीत सिंह होरां दे नू दी तो बाद,
ते ए 100 साल दा, पर जदों तो अंग्रेज आए उस वेले तो ही जिहड़ी आजादी का संघर्ष है वह शुरू हो गया सी उन्हां दे खिलाफ। तो जिन्ना यह संघर्ष सी ओह ते जिन्ना भी असीं माण कर सकीए साडे इतिहास का ये शहीदियां भरिया है, कुरबानियां भरिया है, पर मैं इनू सुनहरी इतिहास कहना। मेरा भी मन सी कि चलो इनू करिए, ते एक भावना नाल सारिया सरकारां ने, ते एक मैं तां दसदा कि इहदे च उस समय च पिछले 10 सालां च घट्टो घट 50 दे करीब वड्डे अफसर चीफ सैकटरी तो लैके हेठां तक, ते घट्टो घट 3 दर्जन वजीर अकालियां दे वेले वजीर सीगे, जिहड़े कांग्रेस दे वेले वजीर सीगे, वह इस फाउंडेशन दे मैंबर रहे। तो उन्हें ये कहा कि जे हमदर्द साहब इस करके नहीं काबू आते तो इन्हों कोई इतने हिसाब किताब च गड़बड़ियाँ होंगे या ये कढ के ते असी इन्हों फसाइए। मैनू इस गल का बेहद दुख होया, कभी एक 10 साल च किसी सरकार ने उंगल नहीं उठाई साढ़े ते। सारिया सरकार ने मैनू कहा जी आओ, तो मैं 500 करोड़ का एक होर भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया जी, ये भी जरूर करो। कैप्टन साहब ने बड़ी बार मैंने कहा सी, इतने गवाह भी है सारे वो, पर मैं वो नहीं सी कर सकिया, मेरिया मजबूरिया सी, पर कभी उंगल नहीं उठाई। तो इस सरकार की नीयत जिहड़ी शहीद भगत सिंह की फोटो भगवंत मान अपने पिछे लाँदा, उहदी नीयत यह सी कि चलो ये ही कढ के, क्योंकि हमदर साहब ये प्रेजिडेंट रहे या मैंबर सकत्र सी मैं वो रहे, तो ये चो कट के तो कोई ना कोई इन्हों फसाया जाए। तो वो मैनू नोटिस भेजने शुरू करते साडे अफसरां जिहड़े रहे, क्योंकि इहदा जिहड़ा CEO जलंधर होण करके वो DC हुंदा, उन्हां कोल भी इहदी 10 वार कोई आडिट भी होया एक एक चीज़ का, वो करके वो मैनू लगातार परेशान तो वो करन दा यतन कीता। पर मैं हैरान हाँ मुख्यमंत्री दी जिहड़ी सोच ते सियाणप तो कि किन्ना को सियाणा, उहनू हजे तक ये पता नहीं कि फाइनैंशियल पद्धर ते मेरा परसनल निजी तौर ते उहदे च 1% भी हाथ नहीं आया। जो कुछ कीता उस सरकारां ने कीता, उस वेले दे वजीरां ने कीता, उस वेले दे अफसरां ने कीता, आडिट होया, पर मेरे तो यह सी कि मैं इहदा कंसैप्ट बनावा, इहदी प्लैनिंग करा, इहनू जिन्ना वध तों वध अच्छा हो सके उहदा उहदे लई यतन करा, इहदा इतिहास लिखवावा। जे इह मेरे च कोई है ही नहीं इहदे च, ते पर वो इन्ने बुखला गए आ कि वह इस गल ते उतर आए कि नहीं असी हमदर्द साहब नू बदनाम करना। जे एक नोटिस भेजा जड़ी हाई कोर्ट है, उन्हें सारा देख के मैरिट ते उन्हें कहा भी तुसी बुला ही नहीं सकते हमदर्द साहब, इन्हों का तो कोई फाइनैंशियल आर्थिक तौर पर काम ही कोई नहीं, इन्हों के कित दस्खत नहीं किसी वो तो तुसी नहीं बुला सकते। पर ये बावजूद उन्हें फिर नोटिस भेजा, तो फिर मैं बुलाया, ये बावजूद वो इस लैवल तक उतारू है। तो वह इच्छा कि मैं एक्शन लेना ही लेना, चलो जे वो मेरे वर्गे बंदे ते उहदी इस तरह की उहदा एटीट्यूड आ, ते आम लोकां ते पॉलिटिशियनां ते तुहाडे ते उहदा की होएगा। एक आखिरी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करनी चाहना, उहदे नाल शायद तुहानू बहुत औखा भी लगे, जदों इह भी गल हुण उहदी पूरी नहीं हो रही, ते उहने अजीत भवन जिहड़ा कि हमदर्द साहब ने 1960 च बनवाया सी, जिहदे च जिहने कि अजीत भवन ने पंजाब का 60 साल का इतिहास देखिया, इत्थे दुनिया भर के प्रोमीनेंट बंदे हिंदुस्तान के वड्डे तो वड्डे बंदे पंजाब के तुसी आप देखिया, तुसी सारे इहनू अपना समझ के ये इत्थे आंदे आ। ते हुण जिहड़ा नवां नोटिस उहने भेजिया वो इनू ढाण दा भेजिया, अजीत भवन जिहनू 60 साल बने नू हो गए आ, ये नोटिस उहने हुण ये भेजिया। मैं अजीत की गल नहीं करता,
मैं कहना कि मैं सिर्फ तुहानू इस करके बेनती की सी आण दी कि ये सरकार तो बिल्कुल मैं यकीन नाल कहना कि जे सरकार पहला ही पंजाब साडा इन्ना हेठा चला गया तो ये तुसी सारे मेरे तो कितने ज़्यादा जानते हैं तो इस सरकार के होंदया ये पंजाब बिल्कुल तबाही के कंडे ते पहुँच जाएगा। ये सानू सारिया सुचेत हो के पार्टी बहुत सारे मसलों पर पार्टीबाजी तो भी उत्ते उठ के सानू ये लामबंद होना चाहिए। इस दे जिहड़े दिल्ली तो यह सरकार चल रही है वो बारे जिहड़ा पंजाब का खजाना जिहड़ा पहला ही खाली है जिहड़ा कि होर लाख करोड़ रुपया लैके तो अपना ये काम चल चलाएंगे उहदे विरुद्ध सानू जरूर आवाज़ उठानी चाहिए है। जे ये करके मैं तुहानू बुलाया तां कि असी सारे इकट्ठे होके एक आवाज़ नाल इस सरकार नूं सुचेत कर सकीए ते भविख की कोई किसी तरह की लामबंदी कर सकीए। तुसी सारे बहुत अच्छिया शख्सियत धार्मिक शख्सियत आई हैं। भाई जसवीर सिंह रोडे जी भी हूँ मैं देख रहा आए हैं, राजेवाल होरी भी आए हैं, सारे तुसी जिन्ने मेरे सामने बैठे हैं मेरे अजीज़ भी हैं, मेरे सत्कारयोग भी हैं। तुहाडे नाल हमदर साहब का भी कई वादा रहा तो मेरे नाल दा तुहाडा प्यार बनया रहा तो मैं तुहानू एक यकीन दवाना कि इस सरकार जिहड़ी डराउंदी है अजीत नूं तुहाडी शक्ति है, तुसी हमेशा इहनू प्यार दित्ता शक्ति दित्ती है ते अजीत किसी भी कीमत ते इस सरकार अगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। बिल्कुल अपने पंजाब आप शुक्रिया जी शुक्रिया आप अपने पंजाब दे हितां लई जिन्नी साडे च थोड़ी बहुती शक्ति है तुहाडे सब नाल मोढे नाल मोढा ला के असी जरूर खड़े रहांगे ते अपना फर्ज पूरा करांगे। इन्हां शब्दां नाल मैं तुहाडा एक बार फिर बहुत सारे सत्कारयोग मेरे दोस्ता बहुत बहुत तुहाडा मैं धन्नवादी हाँ। हुण मेरी एक इच्छा है तो गर्मी पर मैं चाहना कि असी थोड़ी दूर है उत्थे इकट्ठे जाके ते मंग पत्र जरूर दईए। इहदे विच मैं एक होर तुहानू गल दसणी चाहना कि कल तो मेरे ते जोर पाया जा रहा जे तो मुख्यमंत्री या केजरीवाल या वह कोई होर छोटा मोटा बंदा आवे तो सारा शहर ये बंद कर देंगे कि कोई इधरों उधर हिल नहीं सकता। साड़ी एक आम सड़क है जितों असी जाना तो उहदे तो जिहड़ी अजीत दे नेड़े तो ही गुजरती है शास्त्री मार्केट उहदे तो कल तो वड्डे पुलिस अफसर आ रहे हैं मैनू धमकी दे रहे कि तुसी इधर दी नहीं जाना। मैं कहा जी क्यों नहीं जाना, चलो कोई नहीं दस दौ कोई कारण दस दौ, इत्थे कोई एमरजेंसी लाई है कुछ है, ट्रैक पर भी सारिया सड़कों तो एको जिहा, असी तो किसी नूं कुछ कहना भी नहीं। साढ़े तो सारे शांतिपूर्वक इज्जत माण वाले सारे बंदे है, पढ़े लिखे बंदे है, इहदा कारण कहिंदे नहीं जी इधरों असी तुहानूं जाण नहीं देना। मैं कहा कोई कारण दसो, कोई दस दौ कि इस करके नहीं जाण देना, कहिंदे नहीं जी इत्थे तुसीं जाणा नहीं। मैं फिर उहनां नूं हुण कहा सी कि बिल्कुल मैं अगे चलूँगा इस रस्ते तो असी जाना तो तुसी मैनू तुहाडियां भावनावां तुहाडी शक्ति ते तुहाडा जज्बे का पता तो इस करके असी सारे जाके ते जरूर उत्थे दे के आई। तो उस तो बाद मेरी एक बेनती है कि आके असी इत्थे आके उत्थों आण दा रस्ता बहुत छोटा है, अद्धा किलोमीटर भी नहीं, एक तो इत्थे आके लंगर सकांगे ते एक जिहड़ी कारां उह बैले दा प्रोग्राम है इत्थों ही तुसी कारां दी फिक्र ना करो, इत्थों ही आके तुहानू कारां जिहड़ियां उह मिल जाणगियां। इन्हां शब्दां नाल एक बार फिर बहुत बहुत धन्नवाद ते आओ सारे उठ के डीसी दे दफ्तर ते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद।